Hello friends, today we'll discuss questions related to statement and assumptions, very important from examination point of view. So first I will dictate the statement and then you have to decide which assumption is correct. Okay, so without wasting any time, let's go to the question, and remember that I will wait for a couple of seconds and then also reveal the correct answer. Okay, and also with the explanation why a particular assumption is correct. So without wasting any time, let us go to the first question. So the first statement says the boy is too honest not to speak the truth. Okay, इनकेस आपको ये समझ नहीं आया हो तो इसका मतलब है कि एक बॉय इतना ऑनेस्ट है कि वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता. एंड द अजम्पशन आर वेरी ऑनेस्ट बॉयज ऑल्सो टेल लाइज, एंड द सेकेंड अजम्पशन इज डिसऑनेस्ट बॉयज ऑल्सो स्पीक द ट्रूथ. ओके, तो आपको डिसाइड करना है कौन सा अजम्पशन सही है. अब डिसाइड कीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस है तो आपको अजम्पशन वन सही लगता है या टू या फिर इधर वन और टू और नीदर वन और टू और बोथ, डिसाइड करना है कौन सा assumption सही है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ द assumptions आर करेक्ट. ऐसा क्यों है? बिकॉज यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों assumption जनरलाइज किया गया है. यहां पे सिर्फ एक ही बॉय के बारे में किया गया है, द बॉय इज टू ऑनेस्ट, यहाँ पे एक बॉय के बारे में बताया जा रहा है, जबकि एजम्पशन में पूरा एक जनरलाइज कर दिया गया है जो कि सही नहीं है. एजम्पशन इसीलिए गलत है, जनरलाइज करना एजम्पशन में कभी भी सही नहीं होता. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट सेज एक्स एयर कंडीशनर द लार्जेस्ट सेलिंग नेम विद द लार्जेस्ट रेंज एंड एडवर्टाइजमेंट, एंड द एजम्पशंस आर एक्स एयर कंडीशनर इज द ओनली वन विद वाइड वेरिएशंस, एंड द सेकेंड एजम्पशन इज देयर इज अ डिमांड फॉर एयर कंडीशनर्स इन द मार्केट. तो आपको कौन सा लगता है कौन सा assumption सही है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टू, आई मीन द assumption टू इज करेक्ट आंसर एंड assumption वन इज नॉट करेक्ट. व्हाई इट्स नॉट करेक्ट? बिकॉज यहां पे दिया है एक्स एयर कंडीशनर इज द ओनली वन, यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि ये ओनली वन विद वाइड वेरिएशंस. अदर एयर कंडीशनर कंपनी के पास वेरिएशन है, लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं कि लार्जेस्ट रेंज है, लेकिन यहाँ कहीं क्लेम नहीं किया है कि उन्हीं के पास ही सारे रेंज है. ओके, सो एक्स एयर कंडीशनर इज नॉट द ओनली वन विद वाइड वेरिएशन. सो assumption वन करेक्ट नहीं है. देर इज डिमांड फॉर एयर कंडीशनर्स इन द मार्केट. अगर डिमांड है तभी यह एडवर्टाइजमेंट होता है. हमेशा याद रख लीजिए, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है तो नेचुरल है कि उसका डिमांड है. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चन आपको इजी होंगे आगे करने में. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बाय एन एक्स टीवी कॉन्टैक्ट वाई द सोल एजेंट ऑफ एक्स टीवी एन एडवर्टाइजमेंट स्टेटमेंट था, एंड द assumptions आर पीपल जनरली प्रीफर टू बाय टीवी थ्रू सोल एजेंट, एंड द नंबर टू assumption इज द टीवी प्रोड्यूसिंग कंपनीज डू नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली. तो आपको कौन सा assumption सही लगता है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज assumption वन, ओनली assumption वन इज करेक्ट. अब ये क्यों करेक्ट है? बिकॉज इफ पीपल डोंट प्रीफर टू बाय टीवी थ्रू सोल एजेंट देन वाई वुड अ कंपनी चूज टू डू दिस. ओके, पीपल का क्या प्रिफरेंस है, क्या चॉइस है, वही देख के ही एक एडवर्टाइजमेंट डाला जाता है. ठीक है, इसीलिए ये assumption सही है. सेकेंड assumption है द टीवी प्रोड्यूसिंग कंपनीज डू नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली. ये यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है, एंड दिस इज अ फार फ्लेज्ड assumption आप कर रहे हैं और ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है. तो आप स्टेटमेंट से बियॉन्ड मत जाइए, जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द स्टेटमेंट. ओके, तो यहाँ पे सेकेंड assumption सही नहीं है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज ओपनिंग अ लाइब्रेरी इन रंबली विल बी अ वेस्टेज, एंड द टू assumption आर इनहैबिटेंट्स ऑफ द रंबली आर इलिटरेट, एंड द नंबर टू assumption इज इनहैबिटेंट्स ऑफ रंबली आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग. आपको कौन सा assumption सही लगता है? So the correct answer of this question is none of the assumptions are correct. I believe that most of the students would have got it incorrect. ऐसा क्यों है? Because most of the students would have assumed कि illiterate हैं, शायद इसी वजह से opening a library in Rambli will be a wastage. But ऐसा भी हो सकता है कि already वहाँ पर library हो. So don't you think it will be a wastage अगर already एक library वहाँ पर हो? So ऐसे assumption यहाँ पर
इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाते हैं. सो बोथ द एजम्पशंस यहाँ पे इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक लाइब्रेरी हो. सो एजम्पशन अगर किसी और एजम्पशन से काउंटर किया जा सकता है तो फिर वहाँ पे वो एजम्पशन वैलिड नहीं होता. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन, इट इज थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पॉलिसी अलोन दैट इनडिसिप्लिन इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी कंटेन्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर टू द वर्कर्स. एंड द एजम्पशंस आर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन आवर इंडस्ट्री इज बेटर, एंड द नंबर टू एजम्पशन इज इनडिसिप्लिन रिजल्ट्स इन अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो आपको क्या लगता है कौन सा एजम्पशन करेक्ट है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज none of the assumptions are correct. ऐसा क्यों है? Because आप यहाँ पे देखिए, quality of life in our industry is better. It is actually the opposite of what the statement is trying to say. आप यहाँ पे देख सकते हैं statement कुछ और है, assumption पूरा एकदम उसका opposite है. इसलिए यहाँ पे assumption correct ही नहीं हो सकता. Second है, indiscipline results in a poor quality of life. अब ये क्यों गलत है? See, indiscipline in industry and poor quality of working, these are two problems that are needed to be addressed. It doesn't mean that out of this one is actually a cause and the other is the effect. Okay, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे mention नहीं किया गया है. This is just far-fetched assumption and let us just restrict ourselves to the statement. Okay, so the correct answer is none of the assumptions are correct. So I hope आपको ये session पसंद आया होगा. We'll come with various parts related to this very particular topic, that is statement and assumption. So do subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.